झारखंड में बच्ची की भूख से मौत के बाद आखिरकार केंद्र सरकार को जागना ही पड़ा। सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए आदेश दिया कि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन मुहैया कराया जाए। सरकार ने आदेश तो लागू कर दिया, लेकिन यहां सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार की नींद इतनी देर से क्यों टूटी? क्या झारखंड में दाने दाने को तरसते लोगों की बेबसी सरकार को पहले नजर नहीं आई थी, या फिर बच्ची की मौत का इंतजार किया जा रहा था? केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि उन लाभार्थियों के नाम सूची से ना हटाए जाएं जिनके पास आधार नहीं है या फिर जिनका राशन कार्ड 12 अंकों की बायोमेट्रिक व्यवस्था से अभी नहीं जुड़ सका है। आधार की लगातार पैरवी कर रही केंद्र सरकार ने भूख के कारण बच्ची की मौत होने के बाद आनन-फानन में नया फरमान जारी किया है। सरकार का कहना है कि राशन कार्ड को तभी रद्द किया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि इसे गलत तरीके से बनाया गया हो। इस नए फरमान पर आधार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सही है तो उसे आधार की वजह से योजना का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि झारखंड के सिमरेगा में भूख की वजह से 11 साल की बच्ची की मौत हो गई थी, क्योंकि उसे राशन देने से मना कर दिया गया था। राज्य के अधिकारियों का कहना था कि उनके पास आधार नहीं है और इसी वजह से उनका राशन कार्ड रद्द किया गया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।